हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स यानी कि गणित में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हुआ है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है और वह 9 किलोमीटर प्रति एचआर की चाल से वापस आता है। यदि इसे तय करने में कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है तो दूरी बताइए। तो यह क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिया हुआ है 35 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है कुछ दूरी की बात करें तो मान लेते हैं हम लोग को ये जो है डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस है, ए और बी पॉइंट है। तो यहाँ पर जब जाता है तो वो 12 किलोमीटर प्रति एचआर की गति से जाता है और जब वापस आता है तो वो 9 किलोमीटर प्रति एचआर की गति से। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जब समान डिस्टेंस होता है जब जाते हैं और फिर हम लोग वापस उसी रास्ते से आते हैं तो उसका जो है औसत चाल जो होता है वो क्या होता है, तो औसत चाल जो होता है वो होता है 2xy/x+y। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये जो 2xy/x+y, इसमें वैल्यू को रख देते हैं तो एक्स का 12 और वाई का 9 रख लेते हैं। तो 2 × 12 × 9 / 12 + 9 ऐसे कर लेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2 × 12 × 9 / ये 21, हम लोग इसको इसी प्रकार से रख लेते हैं, ये औसत चाल हो गया। अब यहाँ पे जो है हम लोगों का जो डिस्टेंस है वो तो डी है और हम लोगों को टाइम कितना लिया है, यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 घंटा 20 मिनट, यानी 2 घंटा + 20 मिनट, यानी 20 मिनट को हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे इस प्रकार से। तो 2 + 1/3 HR, तो इससे हम लोगों का निकल जाएगा 7/3 HR। अब हम लोगों का ये टाइम हो गया और ये जो होगा हम लोगों का चाल हो गया। तो हम लोग दूरी निकाल लेते हैं यहाँ से और दूरी का फॉर्मूला हमें पता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये होता है। तो चाल हो गया हम लोगों का ये 2 × 12 × 9 / 21 × अब ये टाइम है हम लोगों का 7/3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं इधर में सॉल्व करता हूँ तो ये देखिए 3 से कट गया ये, फिर ये 7 और ये भी 7 से कट गया, सॉरी ये 1 से कट गया ये। तो हम लोग का बचा कितना इधर, तो 24 बचा, ये 24 किलोमीटर जो है वो दूरी निकला। लेकिन ये जो है डिस्टेंस हम लोगों का 24 तो निकला है, यहाँ पर ऑप्शन तो हम लोग को 35, 21, 9 और 12 है, तो यहाँ पे तो हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। तो हम लोग को करना क्या है कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ डिस्टेंस गए थे फिर यहाँ से फिर यहाँ आए थे, यानी कि हम लोग यहाँ पे 2 बार आना जाना किए हैं ना, तो इसी कारण से हम लोग को यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 बार का हमें लेना है, यानी कि इसका आधा निकालना, यानी कि 24/2 करेंगे तो हम लोगों का जो है 12 किलोमीटर। तो ये हम लोगों का जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी डिस्टेंस को निकालने के लिए कहा है, ना कि टोटल डिस्टेंस को निकालने के लिए कहा गया, यानी कि ए से बी निकाले या तो फिर बी से ए निकाले। हम लोगों को ए से बी और बी से ए टोटल नहीं कहा था, बस ए से बी का डिस्टेंस निकालने कहा था, यानी कि 1 बार जाना था। तो अगर हम लोग 1 बार जाते हैं यानी कि उसका हाफ कर देंगे तो हमें टोटल किलोमीटर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी में जो है वह 12 किलोमीटर, तो यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जो कि आसान है, बस इसमें जो कुछ फॉर्मूले हैं उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ में यदि कर्ण ई एफ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो माध्यिका डी एक्स की लंबाई होगी। ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, और इसका नाम हमने दे दिया डी ई और एफ, और इसमें जो है 90 डिग्री डी में है कौन। तो अब यहाँ पर जो है कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर है और ये हम लोगों का कर्ण है। या फिर माध्यिका मीडियन की बात कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक डी एफ में एक भुजा खींचेंगे जिसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो ये इसको हम लोगों ने इस प्रकार से मिला दिया। अब जैसे ही हम लोग इसको मिलाते हैं तो इसका जो नाम हो जाता है हम लोग का डी एक्स है, और ये जो है डी एक्स माध्यिका है, और यह डी एक्स और एक्स एफ यानी कि 2 बराबर भुजा में इस कर्ण को काटती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ये जो माध्यिका होती है वह विकर्ण को 2 बराबर भागों में काटती है, 2 बराबर भागों में। तो यहाँ पर हम लोगों को निकल गया डी एक्स जो है वो ई एक्स बराबर एक्स एफ कर देती है, क्योंकि जब ई एफ को ये काटती है तब। तो ये हो गया हम लोगों का।
और इसका एक और प्रॉपर्टीज यह है कि ये जो dx है वो भी इस ex या xf के बराबर हो जाती है, यानी कि हम लोग ये भी बराबर हो जाती है इन दोनों भुजाओं के। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे dx बराबर ex बराबर xf, ये हो जाता है हम लोगों का प्रॉपर्टीज की माध्यिका जो है वह, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इसको दो समरूप त्रिभुजों में भी काट देती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ई एक्स और डी और डी एक्स और एफ, ये दो बराबर हो जाएंगे, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, ये भी बराबर है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग डी एक्स की लंबाई जो है वो कह रहा है, तो जब ये हम लोगों का बराबर हो गया है यानी कि 12 का आधा आधा हो जाएगा, इधर भी आधा और इधर भी आधा हो जाएगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ई एक्स बराबर एक्स एफ बराबर हो जाएगा हम लोगों का ई एफ का हाफ, यानी कि 12 का आधा, ये 6 सेंटीमीटर। तो ये तो हम लोगों का इधर का निकल गया। अब हम लोगों ने अभी ही जस्ट यहाँ पे देखा कि डी एक्स भी हम लोग का इसी के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे डी एक्स बराबर भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं डी एक्स की लंबाई निकालने के लिए कहते हैं, तो डी एक्स बराबर भी हम लोगों का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको इस प्रकार से बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समलंब यानी कि ट्रेपीजियम ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी है और विकर्ण बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि ए बी बराबर 2 CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है 4:1, 1:16, 1:4 और 16:1। तो यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे समलंब यानी कि ट्रेपीजियम, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जा करके भी देख सकते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले यह ट्रेपीजियम जो है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यह एक ट्रेपीजियम है इस प्रकार से, और इसका जो नाम है वो हमने दे दिया ए बी सी और डी। इसमें ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, जो कि कह रहा है, और विकर्ण जो है ओ पर काटते हैं, यानी कि इसका जो विकर्ण है उसको भी हम लोगों को बना लेना है इस प्रकार से, ये बना लेना है। अब ये ओ बिंदु पर काटती हैं और ए बी जो है वो 2 CD होना चाहिए, यानी ए बी जो है वह 2 CD होगा, यानी कि सी डी का दोगुना यह है और इसका आधा यह है, ये भी हम लोगों को दिया गया है। तो अब त्रिभुज जो है ए ओ बी यानी कि ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी यानी कि सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ उसको पहले देखते हैं, तो ए बी बराबर जो है 2 CD यह दिया हुआ है, तो यहाँ से ए बी बराबर ए बी बटा सी डी कर लेंगे, तो हम लोग 2:1 यानी कि 2:1 में यह हम लोगों का अनुपात दिख रहा है। अब हम लोग जो है समलंब का जो है क्षेत्रफल क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनुपात कह रहा है, तो ये जो अनुपात होता है तो इसको हम लोग करते क्या है, तो इसको करते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल जो होता है, तो हम लोग करते क्या है, जो आधार होता है उसका स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, जो आधार का अनुपात है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आधारों का अनुपात जो होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो ऊपर वाला जो त्रिभुज ए ओ बी उसका आधार क्या है, तो ए बी है, तो ए बी उसका जो अनुपात है, तो अनुपात यानी कि हमें सी ओ डी को भी लेकर चलना है, तो सी ओ डी का जो आधार होगा वह सी डी होगा, तो ये सी डी, तो सी डी का हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ए बी हम लोग का 2 दिया हुआ, सी डी 1 है, तो ये 2/1 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो हम लोग का निकल जाता है 4/1। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हम लोग का 4/1, यानी इसी को हम लोग कहेंगे 4:1, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि ये देख रहे हैं आप 4:1, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। यदि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? यह क्वेश्चन है 36 वर्ष, 24 वर्ष, 33 वर्ष और 45 वर्ष, यह ऑप्शन दिया हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है वो एज से यानी कि आयु संबंधित, उम्र संबंधित क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बता चुका था। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जा करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो रवि जो है सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, सूर्या से कह रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना सूर्या की जो आयु है वो हम लोग 100 वर्ष मान लिए हैं। अब रवि जो है वो सूर्या से 12 वर्ष छोटा होना चाहिए, यानी कि रवि का आयु जो होगा वो क्या हो जाएगा, 100 - 12 वर्ष होगा। रवि की जो आयु की बात कर रहा है वह उसकी और सूर्या की आयु के योग का, यानी रवि का जो आयु होगा वह इसका और इसका योग का कितना होगा, 40% होगा। तो यह क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो रवि की जो आयु होगी उसके बारे में कह रहा है, तो इसमें उसकी और सूर्या की आयु का योग कर रहा है। तो दोनों को पहले हम लोगों को जोड़ लेना है, यानी कि एक्स प्लस एक्स माइनस 12 यह हो जाएगा। और ये जो होगा वह रवि की आयु का जो है, रवि की आयु का कह रहा है, यानी कि रवि की आयु क्या है यहाँ पर, तो एक्स माइनस 12 है यह है। लेकिन उसकी और सूर्या की आयु का योग का 40% है, यानी कि ये जो योग हो गया इसी का हम लोगों को 40% निकालना है। 40% यानी कि 40/100 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का रवि की आयु। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको, मैं बार बार बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए ये एक्स प्लस एक्स माइनस 12 हो जाएगा इंटू ये 40/100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे रख लेते हैं, तो एक एक जीरो काटते हैं और ये हम लोग का हो जाता है 2x - 12 इंटू 4/10 बराबर x - 12 ये हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको इस पार से उस पार कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए आप 2x - 12 इंटू 4 बराबर हो जाएगा ये, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधे सीधे मैं, तो 10x - 120 हो जाएगा ये। मैंने एक ही बार में इसको कर दिया इस बार करने के बाद। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो इसको अब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8x - 48 बराबर हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ पर 10x हो जाएगा, तो 10x - 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इस पार कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2x बराबर। और इसको अगर हम लोग इधर लाते हैं तो इसको अब लाने के बाद में जैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो यह हम लोगों का हो जाता है 72। तो x बराबर हम लोगों का निकल जाएगा, इसको अब डिवाइड कर लेते हैं तो 36 वर्ष, तो x बराबर जो है हम लोगों का 36 वर्ष निकल गया। तो यह किसका आयु निकल गया है, जो हम लोग माने थे x बराबर सूर्या की आयु। तो x बराबर सूर्या की आयु हम लोगों का 36 वर्ष निकल गया है। लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु कह रहा है, तो 9 वर्ष के बाद और ये सब जितना भी चीज़ें हैं वो सब हम लोगों का वर्तमान का यानी कि प्रेजेंट टाइम का था। तो अब से हम लोगों को 9 साल बाद यानी कि अब हम लोगों को ये जो है 36 वर्ष है यानी कि सूर्या की जो आयु है, तो 9 वर्ष बाद सूर्या की जो आयु होगी, सूर्या की जो आयु होगी उसको हम लोगों को जोड़ लेना है, यानी कि 36 + 9 तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो 9 वर्ष के बाद में सूर्या की आयु होगी 45 वर्ष, जो कि ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें 45 वर्ष, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यह एक अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AQ बराबर 4√2 सेंटीमीटर, QC बराबर 6√2 तथा AB बराबर 20 सेंटीमीटर है। यदि PQ BC के समांतर है तो PB का मान सेंटीमीटर में क्या है, यह क्वेश्चन है और चित्र भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। तो AQ जो है 4√2 है, AQ यहाँ पे दिया हुआ है तो ये है 4√2 सेंटीमीटर, और QC जो है वो 6√2 है, ये 6√2 सेंटीमीटर ये है, और AB जो है 20 यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ये कितना, ये 20 सेंटीमीटर है। तो PQ BC के समांतर है ये, और ये दोनों समांतर है ये भी है। तो PB का हम लोगों को यानी कि इसका जो है वैल्यू क्या होगा, वो सेंटीमीटर निकलना है। ये जो ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 8, 12, 6 और 15। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये चार ऑप्शन है। अब यहाँ पर
ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एपी को डायरेक्ट ए से बी तक में लेते हैं, एपी को हम लोग डायरेक्ट ए बी तक लेते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। तो एपी बट्टा ए से बी डायरेक्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, ए से बी। तो उसी प्रकार से इधर भी हम लोगों को वही देखना है, क्योंकि ये जो है समरूप त्रिभुज बन गया है यहाँ पर ए पी क्यू और ए बी सी का, इसी कारण से। तो अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं इधर में ए क्यू बट्टा ए से सी तक देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको एक्स मान लिया है ए से पी को, तो ए पी जो है हम लोगों का एक्स हो गया, और टोटल में देखते हैं तो टोटल में हम लोगों का 20 दिया हुआ है, ये 20 है। और ए क्यू कितना है, 4√2 है, और ए से सी अगर देखते हैं तो दोनों को हम लोग को जोड़ लेना है, तो 6 और 4 10, 10√2, ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ से हम लोगों को वैल्यू को निकालना है, तो देखिए इसको हम लोग इधर से भी काट सकते हैं, तो 2 हो जाएगा, और इसको फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मैं करता हूँ, तो ये हम लोगों का हो जाएगा √2x बराबर 4 और 2 8, 8√2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से √2 √2 को भी काट सकते हैं, तो x बराबर हम लोगों को कितना निकल गया, x बराबर 8 निकल गया यहाँ पे। तो x बराबर यहाँ पे 8 a से p का डिस्टेंस निकल गया, लेकिन हम लोगों को p और b का निकालना है, यानी कि पी बी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल 20 है, 20 में से हम लोगों को अब 8 को घटा लेना है, यानी कि 20 - 8, तो हम लोगों का जो है 12 सेंटीमीटर यह आंसर हो जाएगा। और आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, जो ऑप्शन है बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, इसको एक और तरीके से भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग इसी को डायरेक्ट हम लोग पी बी को ही निकालना है, तो हम लोग पी बी के हिसाब से भी बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि पी बी बट्टा ए से बी तक देखना, यानी कि बी ए भी देख सकते हैं हम लोग, तो बी ए को देखते हैं यहाँ से, बी ए यहाँ पे बी ए करते हैं, और फिर यहाँ से नीचे से जब पकड़े हैं तो इधर भी हम लोग नीचे से ही पकड़ना होगा, तो नीचे में क्या है हम लोगों का सी क्यू है, और सी से ए तक देखना है, तो सी से ए हम यहाँ देख लेना है। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट पकड़िए, या तो फिर नीचे से भी डायरेक्ट ऊपर पकड़िए, दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं, तो इसी प्रकार से मैंने इसको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर वैल्यूज को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है ये, तो पी बी को तो पी बी ही रहने देंगे, और बी ए कितना है, तो बी ए हम लोगों का 20 दिया हुआ है, उसी प्रकार से हम लोगों को सी क्यू यहाँ पे पहले दिया है, तो सी क्यू लिख लेना है, और फिर यहाँ से यहाँ ए से सी तक देखना है, तो हम लोग कितना निकल जाएगा, 6√2। अब हम लोग इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, और जैसे ही अब हम लोगों को 2 हो जाता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12√2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का √2 PB। अब ये √2 √2 भी काट लेंगे, तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा, पी बी बराबर हम लोगों का 12 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों को सीधे सीधे डायरेक्ट निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो इससे हम लोगों का सीधे आंसर निकल जाएगा। हम लोग फिर यहाँ पे जो घटाए थे हम लोग, उस प्रकार से घटाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो हम लोग इसको आप लोग ऊपर से टोटल देखेंगे, या तो फिर नीचे से ऊपर का टोटल देंगे, दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसी कारण से मैंने इसको इसी प्रकार से बता दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज पी क्यू आर की अंतर त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में क्या है। ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है ए बी सी और डी। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मान लेते हैं यह एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू और आर, यहाँ पे अंतर त्रिज्या का बात कर रहा है, यानी कि हम लोगों को अंदर में एक सर्कल ड्रॉ करना, मान लेते हैं यह एक सर्कल है जिसका केंद्र ओ है, तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसको मिला लेते हैं, तो ये आर आर और आर हो जाएगा ये, और इसकी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज की जो भुजा है, यानी कि पी क्यू क्यू आर और पी आर जो है वो 10 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर इधर भी, 10 सेंटीमीटर इधर भी, और 10 सेंटीमीटर इधर भी, यानी कि भुजा को मान लेते हैं हम लोग ए, तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और अंत त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में अगर अंतर त्रिज्या निकालने के लिए कहता है, तो उसका जो है फॉर्मूला होता है वह होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या बराबर होता है ए बट्टा 2√3,
ये होता है यानी कि भुजा बट्टा 2√3 होता है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं अंतर त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा ए बट्टा 2√3। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 10 है, यहाँ पे आप लोगों को पता है 10/2√3, तो इसे हम लोग काट देंगे तो 5√3 ये हम लोगों का निकल जाता है। किसका वैल्यू, तो आर का वैल्यू निकल जाता है। अब ऑप्शन आप देख सकते हैं 5√3 यानी कि 5/√3 कहाँ पर है ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर। तो आर बराबर अंतः त्रिज्या बराबर 5/√3, तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का जो फॉर्मूला तो हुआ होता है ए बट्टा 2√3, तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से बना सकते हैं इस आर का वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एज यानी कि उम्र संबंधित है, यहाँ पे देख सकते हैं सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु क्या है, वर्षों में निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 24 वर्ष और 21 वर्ष। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है वर्तमान का बात कर रहा है, वर्तमान में जो है वह अगर अनुपात में है तो मान लेते हैं ये जो है सिमी और ये सीमा, तो ये हम लोग 5x और 4x कर लिए हैं। और बाद में जब देखते हैं यानी कि 9 वर्ष के बाद में, यहाँ पे 9 वर्ष के बाद तो कितना हो जाता है सीमी का जो हो जाता है वह हो जाता है 8 और ये हो जाता है 7, ये अनुपात में हो जाएगा तो मानती है x है। अब देखिए यहाँ का जो डिफरेंस है उसको सबसे पहले देखते हैं, तो ये कि 5 से 8 हो रहा है, ये 4 से 7 हो रहा है, यानी कि अगर डिफरेंस भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस यानी कि अंतर जो है वो 3x का डिफरेंस है, यानी कि 3 का डिफरेंस है हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे दोनों में 3 का है, इधर भी 3 और इधर भी 3 है, तो ये जो 3 क्यों आया, तो वह आया 9 वर्षों के बाद के चक्कर में, यानी कि 9 वर्ष का जो बाद है उसी के कारण यह हम लोगों का 3x का डिफरेंस आया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 3x जो है वह 9 के बराबर है, तो x बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जिसका भी कह रहा है वर्तमान में कहेगा या तो फिर जितना साल के बाद कहेगा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सीमी की वर्तमान कह रहा है तो सीमी की वर्तमान क्या है, ये 5x है, तो ये हम लोग x को सीधे सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इसके साथ में सीमी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वह ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बनेंगे, लेकिन इसमें जो है एक खास बात यह है कि जो डिफरेंस जो दोनों में होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी 3 का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, तब जा करके हम लोगों को इस प्रकार से इसको बनाना है। नहीं तो फिर अगर हम लोग बेसिक से बनाना चाहेंगे तो बेसिक से भी बन जाएगा इसको, तो अभी हम लोग बेसिक से बना करके भी इसको अभी देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग लिस्ट में जा करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो चलिए इसको अब हम लोग बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले ये तो हम लोग मान लिए हैं, तो माना हो गया है सीमी का जो है वो वर्तमान की बात करते हैं, यहाँ पे सीमी का जो है वह 5x है और सीमा का जो है वह है हम लोगों का 4x। अब 9 वर्ष के बाद बोल रहे हैं, 9 वर्ष के बाद ये है, तो 5x के साथ में हम लोग 9 साल ऐड कर लेंगे और सीमा का भी है 4x में हम लोग 9 साल ऐड करेंगे, तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, तो वह अनुपात जो होगा हम लोगों का यहाँ पे कहा है 8:7 हो जाएगा, ये है। तो यहाँ अब हम लोग यहाँ पे 8/7 कर लेते हैं। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो 7 × 35x + 9 = 63 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 × 32x + 9 = 72, ये हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ से सॉल्व करना है इसको, तो ये 35 या 32, ये तो ये 3x हो जाएगा और ये इधर से जाएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से x बराबर जो कितना निकला, x बराबर भी हम लोगों को यहाँ पे 3 निकला और पहले भी 3 निकला था। अब हम लोगों को कहा है सीमी का वर्तमान कितना है, तो हम लोग इसको 5x है, तो अब हम लोग इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसलिए सीमी की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 5x दिया हुआ है, तो यहाँ 5 × x बराबर कितना है, 3 है, तो ये हम लोगों का 15 वर्ष आंसर में निकल जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं बेसिक से भी, और अगर जो डिफरेंस है ये दोनों तरफ बराबर है तो आप लोग यहाँ से भी सीधे सीधे आंसर
कर सकते हैं, तो इसको आप लोग इसी प्रकार से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि समय, स्पीड और डिस्टेंस से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, मीटर पर सेकेंड में इसकी गति क्या होगी। ये ऑप्शन है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी है आपका। तो यहाँ पे जो है, जो दिया हुआ है घंटा दिया हुआ है यहाँ पे यानी समय, और ये जो है आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसका जो है स्पीड यानी कि हम लोग गति यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। तो ये 1800/5 ये कितना में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति HR में दिया हुआ है, ये है। अब हम लोगों को मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि इसको हम लोगों को यूनिट को चेंज करना है, छोटे यूनिट में जाना है, यानी कि मीटर पर सेकंड में जाना है। तो हम लोगों को मालूम है कि किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो हम लोगों को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी वैल्यू दिया रहता है। तो ये वैल्यू है, इसको हम लोगों मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो इसको हम लोग ऐसे ही रह देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1800/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करना है, 5/18 से। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये हम लोगों का 100 आ जाएगा, और ये जो 100 है यह मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो 100 मीटर पर सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो है बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो हम लोगों को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहीं पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना था, तो हम लोगों को 18/5 से हमसे मल्टीप्लाई करते, अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना था। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और मैथ्स के क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं और आते भी हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए जाना है।